75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश में भाई दूज के दिन लागू हुआ। युवा को रोजगार देना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश के मेरे युवा बहन भाइयों के लिए एक लैंडमार्क आने वाले समय में साबित हो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण वाला हरियाणा का यह कानून अगले साल 15 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत हरियाणा में निजी क्षेत्र की 30,000 से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में से 75% पर केवल हरियाणा के स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। ये कानून अगले 10 साल के लिए लागू किया जा रहा है। हालांकि इस कानून से नई आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को 2 साल तक छूट दी जाएगी, यानी उन्हें शुरुआत में मनपसंद लोगों को नौकरी देने की छूट होगी। कोई नया स्टार्टअप है जो हमारे प्रदेश में लगेगा, उसके लिए 2 साल की एग्जेम्पशन इस एक्ट में हम देने का काम करेंगे कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कोई भी आईटी कंपनी नई लगेगी उसको भी एग्जेम्पशन का लाभ मिलेगा। लेकिन हरियाणा के इस कानून के खिलाफ निजी उद्योग खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि इस शर्त से उनके पास अच्छे टैलेंट को खोजने के लिए सीमित विकल्प भी बचेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटो और आईटी सेक्टर की घरेलू और एमएनसी कंपनियों के साथ ही दूसरे निवेशक हरियाणा को अलविदा कह सकते हैं। इसकी वजह है कि जिस तरह की मैन पावर की कंपनियों को दरकार है वो अब शायद हरियाणा में आसानी से नहीं मिलेगी। Though we are all disappointed that the law has finally taken shape, the industry has always been evaluating, you know, if this law were to come in place, then what will happen? So there are a couple of things. One, a lot of the industry players are saying that, you know, look, they're already invested in Haryana, so they would like to continue to be there. But at the same time, the future growth in terms of the employment, in terms of, you know, the business opportunity that is coming in and to kind of take that forward, I think increasingly there is a sense that how can we leverage, you know, the hybrid work model or let's say also the locations nearby, whether it's Noida or Delhi, to shift some of the jobs there. ऐसे में अगर ये कंपनियां हरियाणा को अलविदा कहती हैं और गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे शहरों को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाके में जाती हैं, तो दिल्ली और नोएडा समेत जयपुर तक को भी हरियाणा के इस फैसले का फायदा मिल सकता है।